नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 जून से होंगे शुरू। मुंबई में तेज बारिश, पूछ में बादल फटने से कई घरों को नुकसान। यूपी के दारोगा ने अपनी गाड़ी से कुचली थी सब्जियां, एसएसपी ने किया सस्पेंड। थप्पड़ कांड में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज, सीएम खट्टर ने तलब की रिपोर्ट। मेनका गांधी के खिलाफ मलपुरम में एफआईआर दर्ज, पत्नी की मौत पर दिया था बयान। राजस्थान में शुरू हुआ कोरोना की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें, 25 ने गवाई जान। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने अब तक दाखिल कर चुकी है 78 चार्जशीट। त्रिपुरा में मिले कोरोना के 48 नए मामले, सभी लोग बाहर से लौटे थे। डेरा चीफ के खिलाफ हत्या के मामले में आज से शुरू होगी सुनवाई। त्रिपुरा में भी बढ़ी कोरोना के मरीजों की तादाद, 48 नए संक्रमण। इंदौर में सामने आए कोरोना के 35 नए मामले, 3722 हुई मरीजों की संख्या। दिल्ली विधानसभा के 3 कर्मियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव केस हुए 900 के पार। मलाइका ने शेयर की बेटे की बचपन की तस्वीर, लिखा तुम क्या सोच रहे थे। सीरियल दिल ये जिद्दी है पर लगा कोरोना ग्रहण, हुआ बंद। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर सलमान संग यूरिया ने लगाई झाड़ू, वीडियो वायरल। दीपिका चिखलिया ने शेयर की बचपन की तस्वीर, कहा कि भाई बहन संग ऐसी है ट्विनिंग। नेचर से है मोनालिसा को प्यार, विश्व पर्यावरण दिवस पर हस्बैंड के साथ शेयर की फोटोज। सुष्मिता सेन सीरीज का ट्रेलर रिलीज, फैमिली वुमन से डॉन तक दिखेंगे कई रंग। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान का छलका दर्द, संन्यास के लिए उकसा रहा बोर्ड। अकरम बोले कि बिना दर्शकों के वर्ल्ड कप कैसा, उचित समय का इंतजार करे आईसीसी। पटियाला में 18 की जगह 11 गेम्स में ही मिलेंगे एडमिशन। पूर्व स्पिनर कनेरिया ने कहा कि पीसीबी के भेदभाव के बावजूद भारत की नागरिकता नहीं चाहता। चहल के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने पर युवराज ने मांगी माफी, कहा कि अगर गलती हुई तो माफ कर दे।